वीरपुर का जंगल चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल में कई सारे जानवर रहा करते थे और सभी मेलजोल से रहते थे। हर मुसीबत का मिलकर सामना किया करते। एक रोज रेंचो सियार जंगल की पहाड़ियों में शिकार ढूंढने के लिए निकला हुआ था। अरे इतनी जोरों से भूख लगी है और कब से शिकार ढूंढ रहा हूँ, अब तक एक चूहा भी नहीं मिला, क्या करूँ। अरे वाह, ये क्या, भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। लेकिन ये तो किसी चीते का बच्चा है और ये तो मरा हुआ है, लेकिन शेर के बच्चे का शिकार आखिर किया तो किया किसने। रेंचो सियार जब उस चीते के बच्चे के पास जाता है, तभी वहाँ चीता काला आ जाता है और वो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। अरे काला, ऐसे मत देख मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इसे देखकर यहाँ आया हूँ। रेनबो, मेरे बच्चे। उठ, तुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे तू मुझे छोड़कर जा सकता है। तू ही तो मेरा आखिरी सहारा है। रेंचो जब उस चीते के बच्चे के पास जाता है, तो चीते के बच्चे का खून उसके पंजे में लग जाता है और काला रेंचो को ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मान लेता है। हालांकि जब चीता रो रहा था, तभी रेंचो सियार वहां से भागता हुआ जंगल में आ जाता है और उसे घबराए और परेशान देखकर लोमड़ी कम्मो कहती है। अरे रे 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 रेंचो, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और कहां भागकर जा रहे हो, कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे तुम जंगलों के जानवरों से। कम्मो, तू कुछ नहीं, मुझे जाने दे, मेरे रास्ते से हट जा। अरे इस रेंचो के बच्चे को क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून कर दिया हो। कम्मो अब आगे बढ़ती है, तभी मीनू चिड़िया कम्मो को देखकर बोलती है। अरे कम्मो रुको रुको, क्या तुमने रेंचो को देखा। हाँ क्यों, क्या हुआ, उस रेंचो ने कुछ किया क्या, वो तो घबराया हुआ जंगल की उस तरफ भागा है, अभी अभी मुझसे ही टकराने वाला था। तुम्हें खबर भी है, रेंचो ने काला चीता के बच्चे का खून कर दिया है, अब काला उसे मारने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अरे मोरी मैया, तभी तो मैं कहूँ ये इतना घबराया हुआ क्यों है और दुम दबाकर इधर उधर क्यों भाग रहा है। ना जाने अब जंगल में कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि काला तो रेंचो को मौत के घाट उतार देगा। कम्मो को जब ये बात पता चलती है, तो कम्मो की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो भी भागी भागी जंगल के राजा शेर सिंह के पास पहुंचती है और अपने मालिक को प्रणाम करते हुए कहती है। अरे शेर सिंह को मेरा प्रणाम। शेर सिंह, मैं आपके लिए कैसी खबर लाई हूँ, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, सुबह सुबह दिल खुश कर दिया। सुबह सुबह मुझे तेरी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, मेरी नींद मत खराब कर और जा यहाँ से। अरे मालिक, आप भी मुझसे खामखा नाराज हो रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर तो आपकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी, लेकिन आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं जा रही हूँ, फिर मत कहना कि कम्मो ने रेंचो और काला चीता के बीच ही दुश्मनी के बारे में नहीं बताया। एक मिनट, कौन सी दुश्मनी, कैसी दुश्मनी, तो कहना क्या चाहती है। यही कि आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर मिली जिसने मेरी तो क्या जंगल के सभी जानवरों की नींद उड़ा दी और मैं भी चली आई आपकी नींद उड़ाने। दरअसल रेंचो सियार ने काला चीता के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और काला भी पागलों की तरह रेंचो सियार को ढूंढ रहा है। पहली बार कोई अच्छी खबर लेकर आई है, अब तो इसका फायदा मुझे जरूर मिलेगा। जहाँ एक तरफ रेंचो सियार जंगल के सभी जानवरों को ये बता रहा होता है कि उसने काला चीता के बच्चे को नहीं मारा, वहीं दूसरी तरफ काला चीता पागलों की तरह रेंचो को मारने के लिए ढूंढ रहा था। काला मेरी बात समझो, रेंचो की बात सुन लो, ऐसा भी तो हो सकता है तू अपने बच्चे के लिए पानी लेने गया हो, तब कोई जंगली जानवर उसे मार गया हो और रेंचो वहाँ पहुँचा तो तुम्हें लगा कि रेंचो ने उसे मारा। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, और रेंचो के पंजों में तो खून भी लगा था, मैं कैसे मान लूं कि वो दरिंदा खूनी नहीं है। अगर तुम लोग भी उसका साथ देना चाहते हो तो भी मैं उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ कर मार ही डालूंगा।
गुलगुली बहन एकदम ठीक कह रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी कोई और हो। हमें बिना किसी छानबीन के कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी निर्दोष की जान चली जाए। मैं जा रहा हूँ रेंचो को ढूंढने, और उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। फिर चाहे जंगल के सभी जानवर उसके साथ क्यों ना हो जाए, और मैं अकेला। जंगल के सभी जानवर रेंचो सियार को बचा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि सियार बेशक जंगल के जानवरों को परेशान करता है, लेकिन वो किसी भी जानवर के बच्चे को नहीं मार सकता, और वो भी अपने ही जंगल के खास जानवर के बच्चे को तो कभी नहीं। लेकिन काला को ऐसा लग रहा था कि जंगल के जानवर भी रेंचो की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही काला एक रोज जंगल के बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ता रहा होता है, तभी उसके पास शेर सिंह का आना होता है। बहुत दुख की बात है काला, मैंने तुम्हारे बच्चे की मौत की खबर सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। खैर, सबसे दुख की बात तो यह है कि जंगल के जानवर उस खूनी दरिंदे के साथ है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो। मैं अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लूंगा। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरे साथ हाथ मिला ले। जंगल के सारे जानवर खुद ब खुद रेंचो को मेरे पास लाकर खड़ा कर देंगे। अगर ये मंजूर है तो ठीक है, कल मेरे गुफा में आ जाना। काला चीता रेंचो को कई महीनों से ढूंढ रहा होता है, लेकिन जंगल के जानवर रेंचो को एक ऐसी जगह छुपा कर रख चुके थे जहां उसे खाना पीना सब मिल रहा था। लेकिन रेंचो तो डरा हुआ था कि कहीं काला उसे मार ना दे। इसके बाद वो शेर सिंह का पीछा करके उसकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है, और शेर सिंह भी बच्चे को मारने के बाद अब जंगल की सैर पर निकलता है और जंगल के एक जानवर को बताता है कि किस तरह से उसने बच्चे को मार डाला, जिसे सुनने के बाद में अब वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ खुद से कहता है। अच्छा, तो मेरा शक सही था, इसने चीता के बच्चे को मारा है, पर अगर मैंने इसे कुछ कहा तो ये मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इधर शेर सिंह ने तो काला से हाथ मिला ही लिया था। शेर सिंह से काला के हाथ मिलाने के बाद ही शेर सिंह जंगल के सभी जानवरों को सभा में बुलाकर उन्हें धमकाता है। जंगल के सभी जानवरों से मेरी विनती है कि रेंचो को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। अभी विनती कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मुझे खुद जंगल के जानवरों को खत्म करके रेंचो के पास पहुँचना हो। काला, तुम शेर सिंह के साथ हाथ मिला चुके हो और अपने ही जंगल के जानवरों के खिलाफ हो गए हो, ये सही नहीं है। तो तुम ही बताओ गुलगुली, सही क्या है और गलत क्या है? क्या ये सही है कि तुम सभी जंगल के जानवर रेंचो को एक खूनी को अपने घर में पनाह दे रहे हो, और वही दूसरी तरफ अपने ही जंगल के दूसरे जानवर का साथ भी नहीं दे रहे हो? अरे मैं तो पहले से ही जानती थी वो रेंचो एक नंबर का दुष्ट पापी है, कैसे वो छोटे से बच्चे को मार सकता है। अगर कल तक रेंचो मेरे सामने नहीं आया तो मैं जंगल के एक एक जानवर को अपना शिकार बना लूंगा और उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। शेर सिंह जंगल के जानवरों को धमका ही रहा था, तभी रेंचो सभी जानवरों के बीच आकर शेर खान से कहता है। जंगल के जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है, लो मैं आ गया, मेरी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। रेंचो को देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और गुलगुली तुरंत ही रेंचो को पीछे करते हुए कहती है। रेंचो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं गुलगुली, मैं जंगल के जानवरों के लिए मुसीबत बन गया हूँ, मेरा मरना ही जंगल के जानवरों के लिए उचित होगा। रेंचो ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी तरफ काला चीता बढ़ता है, और काला को रेंचो की तरफ आता देखकर मीनू भी रेंचो को संभलने के लिए कहती है, लेकिन रेंचो वहाँ अपनी मौत को देख रहा था। तभी काला रेंचो के पास आकर कहता है। तेरी वजह से मेरे बच्चे के खूनी का पता चल गया, अगर तू छुपकर नहीं बैठता तो शायद मैं एक निर्दोष को मार देता। यहाँ तो पासा ही पलट गया, हमें क्या उम्मीद थी और क्या हो गया? मतलब फिर तुम्हारे बच्चे का खूनी कौन है? क्यों शेर सिंह, उस दिन जंगल में तुमने ही मेरे बच्चों को मारा था ना। रेंचो के वहाँ से जाने के बाद जब मैंने अपने बच्चों को उठाया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों के नाखून में शेर सिंह के बाल हैं,
और मुझे अंदाजा हुआ कि ये हाथापाई के दौरान मेरे बच्चों के नाखूनों में फंस गए होंगे और उसी के बाद मुझे शेर सिंह पर शक हो गया था। तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया शेर सिंह? चलो अब तुम्हें पता चल ही गया है तो क्या तुम अब उसे मारना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैं रैंचो को पागलों की तरह ढूंढ रहा था उस तरह से अब तुम्हें बेरहमी से मौत दूंगा। और आज जब शेर का पर्दाफाश खुद ही हो जाता है तो फिर वो सब लोगों के आगे कबूलता है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे मेरी जान जाने का खतरा था, लेकिन अब जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो मैं भी नहीं डरूंगा। और इसमें मैं काला के साथ हूँ। इतना बोलकर चीता काला और सियार रेंचो शेर सिंह पर हमला कर देते हैं और तीनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते कुछ देर बाद शेर सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है और लगातार वार से शेर सिंह की मौत भी हो जाती है। अब रेंचो, सियार और चीते की दुश्मनी खत्म हो जाती है क्योंकि चीते के बच्चे का असली कातिल अब सबके सामने आ चुका था। और इसी तरह समझदारी से ये पता चल जाता है कि आखिर बच्चे का कत्ल किया किसने था और रेंचो बेगुनाह है ये पूरे जंगल में साबित हो जाता है।